अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बाबरकत हाथ मरीज पर रखते थे और ये दुआ पढ़ते थे, जिसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, लोगों के पालने वाले, तकलीफ को दूर कर दे, शिफा दे दे, तू ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा दे के किसी किस्म की बीमारी बाकी ना रह जाए। एक मर्तबा एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्द की शिकायत की, यानी कोई बॉडी पेन वगैरह की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दर्द की जगह है उस पर हाथ रख और 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़, फिर फरमाया के 7 बार ये दुआ पढ़। वो दुआ ये है, जिसका तर्जुमा है, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की इस शर से जो मैं महसूस कर रहा हूँ और जिसका मुझे अंदेशा है। इसी तरह नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दुआओं से शिफा तलब की। ये दुआएं कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में पढ़ सकता है। दुआ के लिए गुस्ल और वजू की जरूरत या पाबंदी नहीं है। इसी तरह एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे और उनको रुखैया किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये पढ़ा, जिसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह के नाम से तुझे दम करता हूँ हर उस बीमारी से जो तुझे ईजा यानी तकलीफ दे रही है, हर नफ्स के इस शर से और हसद करने वाली निगाह के शर से, अल्लाह तुझे शिफा दे, अल्लाह के नाम से मैं तुझे दम करता हूँ। तो जिब्रेल अलैहिस्सलाम ने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दुआ दम की। तो जब भी आपको कोई जिस्मानी तकलीफ या बीमारी या दर्द हो, तो उस वक्त आप शिफा के लिए ये दुआ खुद भी अपने लिए पढ़ सकते हैं, या कोई ऐसा शख्स हो जो पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए भी आप पढ़ के दम कर सकते हैं। तो इन दुआओं को सेव कर लीजिए और जरूरत पड़ने पर जरूर इसे पढ़िए और इसका फायदा उठाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।